नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 मई 2024 की करंट अफेयर के बारे में। 1 मई 2024 की करंट अफेयर, ये करंट अफेयर आपको ज्यादा समय हम नहीं लेंगे इसमें। ये जो करंट अफेयर है, डेली के करंट अफेयर के हिसाब से जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो UPSC के थ्रू जूनियर असिस्टेंट और BPO का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये आपको सहायक सिद्ध होगा। और साथ ही साथ UPPSC के थ्रू जो RO, ARO और PCS एग्जाम, उसमें भी ये आपको काफी हेल्प करेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं 1 मई। 1 मई सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेबर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे ये 1 मई को मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था 1886, पहली बार, फर्स्ट टाइम 1886 को। और भारत में अगर हम बात करें तो पहली बार ये मनाया गया 1923 ईस्वी। देखिए कितना लेट में मनाया गया, तो भारत में 1923 ईस्वी में पहली बार मनाया गया था। और मनाने का इसका मूल उद्देश्य क्या है? मजदूरों को सम्मान और हक दिलाना, सम्मान और हक दिलाना मजदूरों को, यही उद्देश्य इसका। ठीक, पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक के बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व PV सिंधु करेगी। PV सिंधु जो है भारत में महिला एकल वर्ग का बैडमिंटन का प्रतिनिधित्व करेगी भारत। पेरिस ओलंपिक 2024, आपको पता है 2024 में पेरिस ओलंपिक जो है पेरिस में होने वाला है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक, पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार, पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार 2024 हेमा मालिनी को दिया गया है। हेमा मालिनी को आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें बस पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार हेमा मालिनी, ये जो है यूपी के एग्जाम के लिए काफी है। गूगल का आगामी AI संचालित स्वास्थ्य कोचिंग टूल क्या है? फिटबिट लैब्स गूगल का है, ये आने वाला AI संचालित स्वास्थ्य कोचिंग टूल है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष, जो भारत में वैक्सीन निर्माता संघ है उसके जो अध्यक्ष बन गए हैं, कौन बन गया है? डॉक्टर कृष्णा एला। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अभी इसाक डार हो गए, इसाक डार। ठीक, 2024 के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से HAL को सम्मानित किया गया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसे पीएसयू पुरस्कार 2024 का मिला है, उत्कृष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ पीएसयू पुरस्कार। उद्योगपति रतन टाटा, आप सभी लोग जानते ही हो, को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने, कौन? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने मानवतावादी सम्मान से सम्मानित किया है। मानवतावादी सम्मान किसे दिया गया है? रतन टाटा। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का सम्मान किसे दिया गया है? ये खिताब जीती है एलेक्जेंड्रा मारिसा रोड्रिग्स ने अपने नाम किया है। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्कॉटलैंड के अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, कौन? प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ। पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किसने लिखा है? सेन वाटसन। अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक जो है ओटावा में आयोजित की गई है। अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक कहाँ हो गई? ओटावा कहाँ है? कनाडा। ठीक, ओटावा में पट्टा बैट यूपी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर से क्या हुआ है, अभी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। खोज किसने किया है? केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा। और ये लगभग 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है पट्टाबेट, जो कि गुजरात के कच्छ जिले। तो यह बस्ती गुजरात के कच्छ जिले में जूना खाटिया नामक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान से कुछ दूर स्थित। ठीक, इस स्थल की खोज की गई है, ये 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व की है। जो बताया जा रहा है कि जो भी ये यहाँ पर कब्रिस्तान में लिए कब्रिस्तान ये पूछ गया है कि ये 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व।
दुर्गा सेकंड, ये एक हथियार है डीआरडीओ के द्वारा, इसको दुर्गा सेकंड, दुर्गा टू भी बोल दो, सेकंड बोल दो, जो भी बोल दो, ये हथियार है डीआरडीओ ने, एक उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार। देखिए ये क्या है, लेजर हथियार विकसित करने हेतु रक्षा मंत्रालय से 100 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर, कितना 100 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर की मांग की है। ठीक, यह एक हल्के निर्देशित ऊर्जा हथियार है, हल्के निर्देशित ऊर्जा हथियार है, इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा किया जा सकता है। कौन करेगा, सशस्त्र बल कर सकते हैं। अच्छा, दुर्गा का फुल फॉर्म अगर बात करें तो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रन रे गन एरे, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे इसका फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म भी यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कोई आम बात नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं, ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं जाता है, 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है डीप में, बाकी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अन दुर्गा DURGA डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि प्लीज अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, जो भी हम ये बोल रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज आपको दे रहे हैं, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।